हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मेबल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं आपके लिए मिड मंथ रीडिंग, यानी कि 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए क्या मैसेज है। दो कार्ड वैसे ही अलग से आ चुके हैं मेरे पास, है 3 of Cups एंड 3 of Pentacles। 3 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। जो भी काम कर रहे हैं आप, उसमें कोई भी नई चीज़ कर रहे हैं, तो 3 नंबर अगर आप रिपीटेडली देख रहे हैं या फिर 3 से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपके लिए लकी हो सकती है। 3rd day of the week यानी कि वेडनेसडे ये लकी हो सकता है। 333 भी आपको दिख सकता है, दैट इज़ समथिंग देयर। एंड पार्टी का माहौल है, लोगों का फोकस आपकी बात पे है, दैट इज व्हाट आई सी। देखते हैं आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप्स में क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए प्लीज ये कार्ड हम देखते हैं, फ्लर्ट। ओके, पार्टी के मोड में हो तो वहाँ पे आपको कोई इंटरेस्टिंग मिल सकता है, जहाँ पे ये थोड़ी सी फ्लर्टिंग वाली एनर्जी है, लाइट हार्टेड एनर्जी है, एंजॉयमेंट की एनर्जी है। सीरियस यहाँ एनर्जी नहीं है स्कॉर्पियो, एंजॉयमेंट के मूड में हो आप, इट्स ओके। लाइफ में इतनी टेंशनें हैं, दुख हैं, थोड़ा सा एंजॉयमेंट बनता है, परफेक्टली फाइन। अभी देखते हैं आपके लिए जनरल मैसेजेस विद द ओरेकल कार्ड फॉर माय डियर स्कॉर्पियोस। ओके, ये कार्ड देखते हैं, लुक फॉर अ साइन। तो यहाँ पे एक कोई भी जो नई चीज है, यहाँ पे जो आप डिस्कस कर रहे हैं लोगों के साथ, या कोई आइडिया हो सकता है जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, वो कितना हेल्पफुल होगा कि नहीं, आगे चल के सक्सेसफुल होगा या नहीं, उसके जो हैं छोटे छोटे प्रूफ आपको ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो सकते हैं अगर आपने ऑब्जर्व किया तो। तो व्हाट आई एम बेसिकली सजेस्टिंग इज कि आपको होना पड़ेगा थोड़ा सा जजमेंटल बाकी के महीने में, इन टर्म्स ऑफ करियर में स्पेसिफिकली ये मैसेज देखती हूँ आपके लिए। करियर के पर्सपेक्टिव में बाकी आधे महीने में जजमेंटल होना पड़ेगा, कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, थोड़ी सी आपको नज़र रखने की ज़रूरत है, बिकॉज देयर माइट बी समथिंग जो आपके लिए थोड़ा शॉकिंग होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आप में ला सकता है। तो बस उस फ्रंट पे केयरफुल रहिए, क्योंकि लोग आपकी बात को बहुत सुन रहे हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि आप कैसे इंसान हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके, आई होप आपकी रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।